लिए मेरे भाई। दिक्कत ये है आंसू बाहर आ जाते हैं और फिर लोगों को लगता है कि इसका ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया। वेलकम बैक टू माई चैनल। एक अलग एनर्जी पैदा हो जाती है मेरे अंदर। सो आई होप आप लोग भी बढ़िया होंगे, सेक्सी होंगे एंड आज वीडियो बनाते हैं अच्छी सी। सो वेलकम बैक टू माई चैनल बैच। सो भाई आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड सो आज जा रहे हैं रिएक्शन वीडियो बनाने। सो प्लान तो आज बेसिकली हमारा ये था कि हम कॉलेज रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, बट हम वो आज नहीं, वो आएगी आपकी परसों, क्योंकि जो हमारे साथ जीन ऑसो जाने वाली थी एंड बूसा जाने वाली थी, बूसा तो है खैर पर जीन ऑसो नहीं आ पाई। तो हमारा प्लान यही है कि लाइक हम अब एक कॉलेज हम बार बार भी तो नहीं जा सकते ना, कंप्लेन हो जाएगी। सो भाई और अब तो सब बाइक्स पर हमने नंबर प्लेट लगा लिया क्योंकि चलान कितना हो गया था। सो वो वीडियो आपकी परसों आएगी, आज आपको रिएक्शन वीडियो मिलेगा हमारी सिम्बा पे। सो भाई अब एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। सो ये देख रहे हो कि नीला हो गया भाई, और ये जिन लोगों को नहीं पता है ये नीला क्यों हुआ है वो जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। एग्जॉस्ट अंदर से भी नीला हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, पूरा नीला हो चुका है। सो भाई सो जिन लोगों को नहीं पता है ये नीला क्यों हुआ है तो वो जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं, पहले ये वीडियो देख लेना। ऐसा नहीं कि भाई इसको अधूरा छोड़ जाओ, फिर मेरा दिक्कत हो जाएगी यार, इसकी रीच डाउन हो जाएगी, तुम वीडियो बीच में छोड़ोगे। तो भाई इसलिए कह रहा था, तो इस वीडियो के बाद आप जाके इस वीडियो देख सकते हो ये नीला क्यों हुआ। अब तो ये फिर भी ठीक हो गया, वहाँ कॉलेज में जिस टाइम मैं और अगस्त थे आपके प्रो राइडर 1000 जब रेस दे जा रहे थे ना लगातार, भाई दोनों के एग्जॉस्ट ऐसे नीले हो चुके थे ना। सो भाई जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आपको उस वीडियो में। एंड सो भाई चलते हैं, पहले इसका कॉल स्टार्ट कर लेते हैं हम एक बार। सो पे ज़्यादा रेस नहीं दे सकते, सो बाहर जाके आपको अच्छे से आवाज़ सुनाते हैं। जो आप लोग कैमरा में सुनते हो कुछ भी आवाज़ नहीं होती, रियल में बहुत लाउड हो रही होती है बस। पर ये है कि कैसे ना कैसे आपको जितना हो सके उतनी आवाज़ सुनानी है इसकी। चलो फिर ओहो राधे राधे। फाइनली हमारी रिएक्शन भी शुरू हो गया है। तो भाई अब पेलने, अब दिक्कत ये है घर की रोड पे पेल भी नहीं सकते। ये हर वीडियो में रो रही है।
बात यह है लोगों को ओवरटेक कर दो और आगे जाके जाम में उन्हीं को मिल जाओ ना। तो चलो ये तो लड़के वड़के थे, कोई दिक्कत नहीं, वरना बुड्ढे चिढ़ जाते हैं इतनी तेजी से ओवरटेक करो किसी को। कैमरा चल रहा है, मैं बकवास कर रहा हूँ। हाँ चल रहा है भैया। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया जी, पहचाना नहीं मैंने। तगड़ी, बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी रैप। मजा आया? मीटअप कब? मीटअप जल्दी रखूंगा, 50,000 हो जाए एक बार, 34 होने वाले हैं। जॉनी, जॉनी का नाम जॉनी है। जॉनी, जॉनी हमारी स्कूल में। सही में? हाँ हमारी क्लास का ही तो है। थे कमेंट्स में ना कि हाई स्पीड वाले रिएक्शन लेके आओ, तो लो बन ही गए ना चाहते हुए भी। भाई आंसू बाहर आ गए, मैंने वाइजर निकाल रखा है। पिछला टायर स्पिन हो जा रहा है। डर जाते हैं इसकी आवाज से। राधे राधे भाई, ये कितने बड़े सांड है भाई। ये कैमरे में ना आ रहे हो भाई, ये बहुत बड़े हैं। ओहो हमारा सब्सक्राइबर आ गई यार, ये जाने नहीं देती मेरे को यार। हट जा हट जा, आज तो शांत है फिर भी है। ये बस ऐसी अगले टायर पे घूमती रहेगी। इसकी एक वीडियो काफी फेमस हुई थी, फेमस कुत्ते हैं ये। आज तो हार मान ली, आज इसका बंदा नहीं था इसके साथ। चलो फिर एक हाइपर राइड हो जाए, वैसे तो जाम है बहुत। आंसू बाहर आ जाते हैं और फिर लोगों को लगता है कि ये इसका ब्रेकअप हो गया, ये इसलिए पेल रहा है करके, ऐसे हो जाता ना करके।
आ जाते हैं, फिर ना लोग पलट के देखते हैं, आंसू दिखते हैं। अब मैंने वाइजर हटा रखा है ना, तो लोग सोचते होंगे रो रहा है इसलिए तेज चला रहा है, मरने जा रहा है। पुलिस पुलिस देख रहा है पीछे देख रहा है। अपना भाई छटा के लगाओ, अब आगे जाम ना लग जाए बेंचोर। पॉइंट पे सतर्क से रहे, ये लोग फिर अपनी गलती मानते नहीं है, ये बोल देंगे कि बाइक वाले की गलती थी। तो भैया अपने अपना खुद अलर्ट रहे, तुम्हारी गाड़ी कोई ठीक नहीं कराएगा, तुम्हें तुम्हारी गाड़ी ठीक हो जाएगी, तुम्हें ठीक करना मुश्किल है। आपका वीडियो में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा हमेशा कि भाई तुम एक ही, लाइक अभी तो क्या हो रहा है काफ़ी वीडियोज़ में एक ही एरिया पर फिक्स हूँ भाई, क्योंकि इसलिए है बहुत ज़्यादा चलान कट रहे हैं देहरादून में, प्रो राइडर का चलान कट चुका है हमारे, लाइक जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सुपर बाइक वाले मेरे जानने वाले हैं, सब एक एक बार चलान कटवा चुके हैं। तीन की तो गाड़ियां सीज हो चुकी है, एक Z900 अभी तक नहीं छूटी है। ये लोग क्या कह रहे हैं, अपना मॉडिफाइड एग्जॉस्ट हमें दे जाओ और स्टॉक एग्जॉस्ट लगाओ, तो पंगा है। इसलिए मुझे एक ही एरिया में थोड़ा सा, मतलब एक एरिया तो नहीं, बड़ा एरिया काफ़ी, बट यहीं पर रहना पड़ रहा है। अभी बाहर की राइड्स में स्टार्ट करूँगा एक बार ये चलान वाला सिस्टम थोड़ा ठंडा हो जाए। सो काफ़ी कुछ हो रखे हैं।